आज हम जानेंगे पांचवा संस्कार जिसका नाम है नामकरण संस्कार। शास्त्र में आया है, नामाखिलस्य व्यवहार हेतु शुभावहम कर्मसु भाग्य हेतु नामनैव कीर्तिम लभते मनुष्यस्तत् प्रशस्तम खलु नाम कर्म। ये संस्कार प्रकाश नाम की पुस्तक है, उसमें ही आया है कि अगर किसी का नाम ही न हो तो वो पहचाना कैसे जाए। नाम अखिलस्य व्यवहार है तुम, अखिल जगत में ये व्यक्ति नाम से ही पहचाना जाता है और नाम से ही उसकी संपूर्ण जगह पहचान होती है और नाम के कारण ही वो अगर हमारे यहाँ तो विदेशों जैसा है नहीं, मन में आया वो नाम रख लिया। हमारे यहाँ तो नामकरण का पूरा संस्कार है और नाम राशि को देख के रखा जाता है, कौन से नक्षत्र में जन्मा है, उस दिन कौन सी राशि उसकी हो सकती है, उस राशि का अक्षर कौन सा है, और उस अक्षर से के द्वारा नाम रखने पर वो उसके कर्म अच्छे होते हैं और उसके भाग्योदय होता है, उसका अच्छा भाग्य उसका जन्म लेता है। तो ये कहा गया है हमारे यहाँ, नामनैव कीर्तिम लभते। कीर्ति, अगर हमने कोई अच्छा काम किया और हमारी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी तो वो कीर्ति बिना नाम के कैसे फैलेगी। तो नाम हमारे यहाँ बहुत आवश्यक है। नाम से ही अच्छे बुरा व्यक्ति की पहचान हो सकती है। ऐसा तो बोल नहीं सकते ना, अरे वो लंबी नाक वाले को बुला लो, अरे वो लंबे बाल वाले को बुला लो, अरे वो चपटी नाक वाले को बुला लो, अरे वो काले आदमी को बुला लो, ऐसा तो बोल नहीं सकते। तो नाम रखने की परंपरा भी हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा आई और ऋषियों का देखो कितना गहन अध्ययन होगा कि हमारा जन्म, हम शुभ मुहूर्त में हमारा गर्भाधान वगैरह तो हो गया, लेकिन शुभ मुहूर्त में अगर हमारा जन्म हुआ है, वैसे हम अगर हमने शुभ मुहूर्त में गर्भाधान किया है तो शुभ मुहूर्त में ही हमारा जन्म होगा, ये निश्चित है। लेकिन फिर भी हमारे ऋषि मुनियों ने इतना ध्यान रखा है कि जिस मुहूर्त में हमारा जन्म होगा उस समय वो तिथि कौन सी थी, दिन कौन सा था, वार कौन सा था, अयन कौन सा था, नक्षत्र कौन सा था, ये सब चीज़ों का बारीकी से ध्यान रखते हुए हमारे हमें किस नाम से पुकारा जाए और वो उसका पहला अक्षर कौन सा हो, उस विषय पर भी हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बहुत विस्तृत ज्ञान दिया है। मैं आगे सब बताता रहूँगा, आप इस वीडियो को शेयर करते रहिए अपने मित्रों में, अपने परिवार में, अपने जो नज़दीकी सदस्य है जो धर्म में रुचि रखते हैं उन तक ये वीडियो पहुँचाने का आप पुनित प्रयत्न करिए, क्योंकि यही ये हमारी असली धरोहर है। इसे अगर हम संजोना सीख लेंगे ना तो बहुत 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 लाभ हमें इसके माध्यम से प्राप्त हो सकता है। अब इसमें नामकरण की विधि बताते हैं कि कैसे नामकरण रखा जाए, वो विधि भी मैं अभी आपको बताऊंगा ही। पहले हम ये जान लेते हैं कि नामकरण संस्कार हमें कब करना चाहिए। तो यहाँ बताया हुआ है कि नामकरण संस्कार जन्म के, जब जनना शौच आदि पूर्ण हो जाता है 10-11 दिन का, कोई 13-13 दिन का भी मानते हैं, तो ये 10 दिन पूर्ण हो जाने के बाद ही नामकरण संस्कार की विधि हो। 11वें दिन क्या करें? बोले सुबह में जल्दी उठे, शुभ मुहूर्त में सुति का स्नान करके स्वयं की पहले शुद्धि कर ले, उसके बाद संपूर्ण घर की शुद्धि कर ले, क्योंकि ये भी हमारे यहाँ सूतक माना जाता है, जन्म सूतक मानते हैं इसको, जनना शौच कहते हैं। तो ये शुद्धि के लिए पूरा घर झाड़ू पोछा लगा दे, अच्छे से शुद्ध कर दे, गौमूत्र गंगा घर में छांट दे, उसके बाद गृह शुद्धि के बाद फिर किसी अच्छे ब्राह्मण को बुला नांदी मुख श्राद्ध करे, अच्छे वेदपाठी ब्राह्मण को बुलाकर, भूदेव को बुलाकर नांदी मुख श्राद्ध करे, उसके बाद श्राद्ध विधि पूर्ण होने के बाद उस शिशु को स्नान करवाए बालक को, और माता अपनी गोद में लेकर बैठे और गोद में लेकर पूर्व दिशा की ओर मुख रख के बैठे,
ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराए और उस भूदेव के द्वारा अथवा नानी के द्वारा अथवा बुआ के द्वारा अथवा कोई संत महात्मा गुरुजनों के द्वारा बालक के सीधे कान में धीरे से 3 बार जो उसका नाम रखा गया है या जो नाम निर्धारित किया वो नाम धीरे से बोले। माने हमने उसका नाम गणेश रखा तो उस बालक को अपनी गोद में न लेकर माता की ही गोद में रहे, लेकिन उसके सीधे कान में हम ऐसा करके उसका नाम, मानो हमने गणेश रखा, तो उसके कान में 3 बार कहे गणेश गणेश पुत्र गणेश, ऐसे धीरे से उसके कान में 3 बार कहे। और नाम करण हो जाने के पश्चात भूदेव को भोजन वगैरह कराए, वस्त्र आदि दान करे, दक्षिणा आदि दे। इसी विधि को या इस संस्कार को दशोहन 10 दिवसीय ये दशोहन भी कहते हैं, 10 दिवसीय जनना शौच की निवृत्ति भी कहा जाता है कि इसके माध्यम से ये 10 दिन का अब सूतक पूरा हो गया, अब हम भजन पूजन करने के दूसरे कर्म करने के लायक हो गए, ऐसा भी हमारे यहाँ माना जाता है। एक अन्य विधि भी बताई जाती है, वो विधि ये है कि 10वें और 12वें दिन भी प्रसूति का के माने माता के 3 बार स्नान करने के बाद नामकरण किया जाता है। नामकरण के लिए अग्नि स्थापित की जाती है, माने यज्ञ किया जाता है, उसमें आहुति देकर उसमें पृथ्वी माता को आहुति और वरुण देव को आहुति दी जाती है और उनसे बालक के आयु की और दीर्घायु की और स्वस्थता की कामना की जाती है। इसके बाद 2 अथवा 4 अक्षर का नाम दिया जाता है। ये नाम भी 2 प्रकार से दिए जाते हैं, एक तो जन्म नक्षत्र का नाम, मैं आगे आज आपको बताने वाला हूँ 12 राशियों में से आपकी जो भी राशि होगी, मैं 12 राशियों के नक्षत्र और उस नक्षत्र में अगर आपका जन्म है तो आपका जन्माक्षर क्या हो सकता है, उस विषय पर मैं अभी थोड़ी देर में आपको जानकारी दूंगा। तो एक तो 2 प्रकार होते हैं, एक तो जन्म नक्षत्र का जो अक्षर आता है उससे जो नाम रखा जाता है वो, और दूसरा जो पुकारने का नाम होता है घर में, निक नेम जिसे कहते हैं, उससे जो पुकारा जाता है, ऐसे 2 प्रकार के नाम रखे जाते हैं। एक समय होता था, देखो ये बात भी बतानी बहुत आपको आवश्यक है, एक समय था हमारे यहाँ, हमारे यहाँ जाति व्यवस्था कभी नहीं थी इसलिए हम जाति व्यवस्था को मानते ही नहीं है, और जो इस देश में जातिवाद का जहर घोलने का काम करते हैं हम उनसे कोसों दूर रहते हैं, और आप भी ऐसे जहर घोलू लोगों से दूर रहें। जाति पाति का जहर हमारे यहाँ कभी था नहीं, हो सकता नहीं, और अगर किसी ने बीच के काल में ये जहर घोला भी था तो अब हम उस जहर को पानी डालकर नाली में बहाने का काम कर रहे हैं। जाति पाति की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब आपस में एक। तो एक समय था जब हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था होती थी, और वर्ण व्यवस्था भी जैसे ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय का क्षत्रिय, वैश्य का वैश्य, क्षुद्र का क्षुद्र, ऐसा नहीं था हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ये था कि, अब मैं छोटी सी बात से आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ कि हमारे यहाँ देखिए गुरुकुल होते थे, जाति आधारित प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाता था, मनुष्य मात्र शिक्षा का अधिकारी था, विद्या ग्रहण करने का अधिकारी था, बकायदा जनेऊ आदि उपनयन संस्कार आदि करके उनको संस्कारित करके द्विज बनाकर फिर उनका वेदारंभ आरंभ होता था। गुरुकुलों में वेद आदि की शिक्षा उनको दी जाती थी। अब गुरुकुल में हर प्रकार की विद्या सिखाई जाती है, मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी कि हमारे गुरुकुलों में ऑलराउंडर बनाते थे, अभी की शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो ही नहीं सकती, ऐसा पूरे विश्व में ऐसा केंद्र अभी तक नहीं बना है जहां पर संपूर्ण ज्ञान की शिक्षा दी जाती हो, एक ऐसा कोई केंद्र नहीं है जहां पर गायन वादन से लेकर बड़े बड़े उपकरण बनाने तक की तकनीकें सिखाई जाती हो एक व्यक्ति को। यहाँ ये है कि आप एक विषय का ज्ञान ले सकते हो, ऐसे कॉलेज बने हुए हैं, आपको अगर चिकित्सा सीखनी हो तो आपको एक पर्टिकुलर एक जगह जाना पड़ेगा, आपको इंजीनियर सीखनी हो तो आपके लिए अलग से क्लास की व्यवस्था है,
आपको अलग रहना पड़ेगा। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो फिर वही पढ़ाई करनी है, आपके अंदर डॉक्टर बनना है तो आपको वही पढ़ाई करनी है, आपको जज बनना है तो आपको एक प्रकार की पढ़ाई करनी है, आपको संगीतज्ञ बनना है, आपको कोई वाद्य बजाना है उसमें पारंगत होना है, तो आपको एक ही शिक्षा दी जाती। लेकिन हमारे गुरुकुलों में ऐसा नहीं था, हमारे गुरुकुलों में हर प्रकार की शिक्षा, कोई गुरुकुल से पढ़ा हुआ व्यक्ति आता था तो वो ऑलराउंडर होता था, संपूर्ण विद्याओं में माहिर होता था। वो व्यक्ति अच्छा वैद्य हो सकता था, वो व्यक्ति अच्छा शस्त्रधारी हो सकता था, वो अच्छा ज्ञानी हो सकता था, वो अच्छा आर्किटेक्ट हो सकता था, बड़े बड़े भवन के निर्माण वो गुरुकुल का पढ़ा हुआ व्यक्ति कर लेता था, उसको बहुत अच्छा शास्त्रों का ज्ञान होता था, वो मतलब हर चीज़ में अव्वल होता था गुरुकुल में। अब इसमें गुरुकुल में भी हमारे यहाँ कभी भी वो प्रश्न पूछकर और फिर उत्तर लिखने की प्रतियोगिता कभी नहीं होती थी, ऐसी परीक्षा हमारे यहाँ कभी नहीं होती थी। हमारे यहाँ जो भी परीक्षाएं होती थी वो प्रैक्टिकल होती थी। ये परीक्षा का ये सब तो ये मैकाले की शिक्षा पद्धति आई, बाकी हमारे देश में कभी भी ऐसा नहीं सिखाया जाता था। तो होता क्या था वहाँ के सभी वर्णों के बच्चे वहाँ पढ़ते थे, चारों वर्णों के बच्चे वहाँ पढ़ने आते थे, और उसमें वहाँ कोई ये छोटा है बड़ा है, ये राजा है, ये राजा का बेटा है, राजकुमार है, या ये गरीब का बेटा है, ऐसा गुरुकुल में कभी भेदभाव नहीं होता था, सबको समान रूप से रखते थे। तो उसमें ऐसा होता था कभी कभी राजाओं के बेटे भी या उच्च विप्रो के बेटे भी वहाँ पढ़ नहीं पाते थे, कुछ नहीं कर पाते थे और कुछ सीख ही नहीं पाते थे आखिर में, तो उनको फिर कह दिया जाता है ठीक है अब तुम पढ़ नहीं पाए, तुम्हारा दिमाग ही नहीं चल रहा था, तो चलो कोई बात नहीं, अब तुम ये तीनों की सेवा करो। हमारे यहाँ वर्ण फिर वहाँ वहाँ से तय हुए। जिनके पास बुद्धि बहुत अच्छी थी, कुशाग्र बुद्धि होती थी, वेद शास्त्रों का ज्ञान बिल्कुल कंठस्थ होता था, कुशाग्र बुद्धि वाले को हमारे यहाँ ब्राह्मण कहा गया। जिनका शरीर हष्टपुष्ट था, बलिष्ठ था और तीरंदाज और शस्त्र विद्या में जो निपुण हो जाते थे, उनको हमने क्षत्रिय की उपाधि दे दी कि क्षत्रिय श्रेणी का विद्यार्थी है। और जो कारोबार आदि में, व्यापार आदि में, क्योंकि हमारे यहाँ पूरा व्यापार का मैनेजमेंट सिखाया जाता था कि कैसे व्यापार होता है, कैसे हिसाब किताब रखना, और उसमें जो पारंगत होते थे उनको वैश्य की श्रेणी दी जाती थी। और जो इन तीनों में से कुछ नहीं कर पाता था तो फिर उनको ये कहा जाता था कि ठीक है तुझे भी तेरी आजीविका चलानी है तो तू इनकी सेवा करना, इनके लिए मदद रूप बनना, तो उसको फिर हमारे यहाँ क्षुद्र की श्रेणी में रखा गया था। इसका अर्थ ये नहीं था कि हमारे यहाँ जाति प्रथा थी या किसी से घृणा आदि थी, जिसकी जिसकी जैसी योग्यता थी। अब गधे का काम गधे से लेंगे, घोड़े का घोड़े से लेंगे, हाथी का हाथी से लेंगे, यही क्रिया यहाँ भी थी। तो हमारे यहाँ कभी भी ये भेदभाव आदि नहीं थे। तो इन्हीं के आधार पर उसकी बुद्धि शक्ति को देखते हुए हमारे यहाँ कई बार ऐसा भी होता था कि देरी से नाम रखे जाते थे, साल दो साल भर बाद उसका व्यवहार देखकर फिर नाम तय होते थे। तो उसमें नाम नाम के आधार से फिर उसके गुण और उसकी श्रेणी का पता चलता है। जैसे ब्राह्मण है, उनका नाम रखा जाता था ज्ञान प्रकाश, ज्ञानचंद्र, ज्ञानेश्वर, वेद ज्ञानी, त्रिवेदी, द्विवेदी, चतुर्वेदी, ऐसे नाम इनको दे दिए जाते थे ताकि वो नाम से पहचान में आ जाए कि इसके पास कुशाग्र बुद्धि है। क्षत्रिय होते थे, उनके नाम के पीछे सिंह लगाते थे, वीर सिंह, वीर प्रताप, राणा प्रताप, शेर सिंह, बलवान सिंह, ऐसे नाम उनके दिए जाते थे। शूद्र होते थे, उनके नाम आप भी आदि आपने सुने ही होंगे, दौलत राम, धनिक लाल, करोड़ी मल, कुबेर चंद्र, आदि आदि नाम इनके दिए जाते थे। और जो सेवा सबकी करते थे उनके लिए नाम था सेवा राम, सेवक चंद्र, गरीबदास, चरणदास, करुण चंद्र, करुणदास, ऐसे सब नाम हमारे यहाँ कर्मों के आधार पर दिए जाते थे, न कि जाति के आधार पर। ये जातिवादी का जहर कहीं ना कहीं हमारी संपूर्ण जो विरासत है, संपूर्ण हमारा हिंदू समाज है, उसके कहीं ना कहीं पतन का बहुत बड़ा कारण रहा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई है कि नामकरण कैसे क्या रखा जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा राशि का ज्ञान दे देता हूँ, थोड़ा इसमें समय लगेगा और हो सकता है बहुत लोग इसको सुनकर बोर हो जाए,
लेकिन आप इसको समझिए, अभी भले आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये आगे चल के यही हमारा मूल ज्ञान है, यही आपके काम आएगा आगे चलकर। तो आप सुनिए, हम क्रम वाइज चलते हैं। पहली राशि मेष राशि, जिनकी मेष राशि है उनके राशि स्वामी मंगल हैं और नक्षत्र है अश्विनी, भरणी और कृतिका, तीन नक्षत्रों में इनका जन्म होता है। और नक्षत्र के स्वामी अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु है, भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र है और कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य है। तो इसमें नामाक्षर है चू चे चो ल, ली लू ले लो और अ, ये नामाक्षर मेष राशि के आते हैं। वृषभ राशि है जिसके राशि स्वामी शुक्र है और नक्षत्र आते हैं इनके कृतिका रोहिणी मृगशिरा। स्वामी इनके नक्षत्र के स्वामी हैं कृतिका नक्षत्र के सूर्य, रोहिणी के चंद्र, मृगशिरा के मंगल और इनके जन्माक्षर है नामाक्षर है ई उ ए ओ वा वी वु वे वो। मिथुन राशि जिसके राशि स्वामी बुध है और नक्षत्र आता है मृगशिरा, जिसके नक्षत्र स्वामी मंगल है, आद्रा नक्षत्र है जिसके स्वामी राहु है, पुनर्वसु नक्षत्र है जिसके स्वामी गुरु है और इनके नामाक्षर हैं का को कु घ के को हा। कर्क राशि जिनकी है उनके राशि स्वामी चंद्र है, नक्षत्र है पुनर्वसु, पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी है गुरु, पुष्य नक्षत्र के स्वामी है शनि, आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी है बुध और इनके नामाक्षर है ही हु हे हो डा डी डू डे डो। अब चलते सिंह राशि, सिंह राशि के स्वामी है सूर्य और नक्षत्र मघा नक्षत्र के स्वामी है केतु। हर एक राशि के तीन नक्षत्र है, तीन नक्षत्र के तीन राशि के स्वामी हैं और तीन नक्षत्र के स्वामी हैं और फिर उनके नामाक्षर हैं। तो सिंह राशि के सूर्य स्वामी हैं और नक्षत्र है मघा, इसके स्वामी केतु है, पूर्वा फाल्गुनी के स्वामी शुक्र है, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं और इनके नामाक्षर है मा मी मू मे मी टा टी टू टे। अब कन्या राशि, इसके स्वामी बुध हैं, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं, हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्र हैं, चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं और इसके जन्माक्षर हैं टो पा पी पू श ण ठ पे पो। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और अब नक्षत्र चित्रा है, उसके स्वामी मंगल हैं, स्वाति के स्वामी राहु है, विशाखा के गुरु है और इसके नामाक्षर है रा री रू रे री ता टू ते। ये तुला राशि का हो गया। अब चलते वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं, विशाखा नक्षत्र के स्वामी गुरु, अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनि, ज्येष्ठा नक्षत्र के बुध, इसके नामाक्षर है तो नी नू ने नो या यी यू। धनु राशि के स्वामी गुरु है, मूल नक्षत्र है इसका, मूल नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा और उत्तरषाढ़ा, इनके क्रमिक नक्षत्र स्वामी है मूल के केतु, पूर्वाषाढ़ा के सूर्य और उत्तरषाढ़ा के शुक्र है। इनके नामाक्षर है ये यो भाभी भू धा और भे। राशि के स्वामी शनि शनि हैं और नक्षत्र है उत्तरषाढ़ा जिसके स्वामी सूर्य है, श्रवण नक्षत्र के चंद्र स्वामी है, धनिष्ठा के मंगल स्वामी है, इसके अक्षर है भो जा जी खू खे खे खी खू खे खो और गा और घी। फिर आती है कुंभ राशि जिसके स्वामी शनि है, नक्षत्र है धनिष्ठा, शतभिषा पूर्वा भाद्रपद और इसके नक्षत्र स्वामी है धनिष्ठा के मंगल, शतभिषा के राहु, पूर्व भाद्रपद के गुरु और नामाक्षर है गु गे गो सा सी सु से सो और दा। और अंतिम राशि मीन, इसके
मीन राशि के स्वामी गुरु है और नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद के नक्षत्र स्वामी गुरु है, उत्तर भाद्रपद के नक्षत्र स्वामी शनि है, रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध है और इनके नामाक्षर है, उसके नामाक्षर है मीन राशि के डी दू थ हा जा दे दो चा और ची, ये सब है अक्षर। अब बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा लेकिन फिर भी आप रिवाइंड करके सुनिए, किसी का नाम रखना हो नेट पर जानकारी प्राप्त हो ही जाएगी, नहीं भी हो तो ये हमारा वीडियो देख लेना, इसमें मैंने आपको बता दिया है बहुत आसानी से कि आपका आपके बेटे का पोती का जन्म जिस भी नक्षत्र में हुआ है उस नक्षत्र के बारे में आप जान लीजिए और उस अनुसार अपना अपना नामाक्षर चुन लीजिए और नामाक्षर से ही नामकरण कीजिए। अब मान लो हमारे ऋषियों ने इसमें और एक बहुत अच्छी छूट दी हमको, क्या दी है बोले, मान लो हमारा ऐसा कोई इसमें अक्षर आ गया, ऐसी राशि बैठी और कोई ऐसा अक्षर आ गया जो हमें पसंद नहीं है तो क्या करें। अब हमारा मान लो मीन राशि में जन्म हुआ, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ जिसका स्वामी गुरु था और इसका अक्षर आ रहा है दी। अब दी पर से हमें कोई नाम नहीं याद आ रहा और दी दी से हमें नाम कोई पसंद नहीं है तो फिर क्या करें। तो बोले उसके लिए फिर आगे जो दो नक्षत्र और दिए हुए उत्तर भाद्रपद और रेवती, तो इसमें से आप दू थ हा जा दे दो चाची इनमें से आप कोई भी अक्षर चुन के उसका नामकरण कर सकते हैं। लेकिन जब आपका भविष्य में विवाह संस्कार होगा, 14वां संस्कार जब आपका होगा, उस समय आपको ये जन्माक्षर का नाम ही कुंडली मिलान में उपयोग करना है। ये नया हो आपने पसंद किया हुआ नाम न देकर आपका जो मूल नाम है जिस नक्षत्र के से आपकी राशि पर जो नाम फिट बैठता है, अक्षर फिट बैठता है, वही नाम आपको कुंडली मिलान में देना है तो कुंडली का जो फल है वो बिल्कुल मिलता है। तो ये भी हमारे यहाँ दिया है। और एक बात, नामकरण में हम हमारे बच्चों का ऐसा नाम रखें कि जिससे उसका नाम लेने से हम भी तरे और उसका नाम लेने से दूसरे भी तर जाए, ऐसा नाम। हमारे यहाँ हमेशा से नाम रखे गए भगवान के नामों पर, ऐसा कोई फालतू नाम नहीं रखा गया। जैसे हमारे यहाँ ये नामकरण बिल्कुल सोच समझ के रखा जाता था कि वो नाम उसको जीवन भर सूट करे। अब एक का ये अंग्रेजी का प्रचलन चल गया और उसने नाम रख लिया स्वीटी। अब जब तक वो बच्ची थी तब तक तो बहुत अच्छी लगती थी स्वीटी, स्वीटी अच्छा भी लगता था और वो फिट बैठता था। लेकिन स्वीटी बड़ी हुई, अब किशोरावस्था में हो गई, अब कोई लड़के उसको स्वीटी कहकर बुलाए, अब स्वीटी के दो भी अर्थ, कई अर्थ निकल सकते हैं। ससुराल गई, अब वहाँ हर कोई उसको स्वीटी स्वीटी कहकर बुलाए। ये घटित घटना बता रहा हूँ, वो बहुत बुरा लगता था। तो वो बोले स्वामी जी अब नाम चेंज करना है क्या करूँ। मैंने कहा अब जो रख दिया रख दिया, लेकिन अब आगे चल के बता दे कि भाई मुझे यह पसंद नहीं आ रहा, आप हमारा कोई और नाम रख दो। तो नाम बहुत सोच समझ कर रखें। और कई लोग यूनिक नाम, कुछ हटके नाम रखना है और फिर नाम रख दिया श्लेष्मा। अब जानकारी के अभाव में श्लेष्मा नाम रख दिया, आपके भी कई संपर्क में आए होंगे श्लेष्मा। अब ये कोई श्लेष्मा नाम होता है? श्लेष्मा माने संस्कृत में जो हमारे नाक से गंदगी निकलती है उसको श्लेष्मा कहा जाता है। छी, ऐसे गंदे नाम रख लेते, आम्रपाली नाम रख लेते। तो नाम हमारे ऐसे हो जो हमें सूट करते हो और वो नाम ऐसे रखे कि जिसका नाम का स्मरण करके, जैसे हमारे यहाँ भागवत जी में कथा आती है अजामिल की, संतों ने कहा बेटा तू अपने जो भी आपका पुत्र होगा उसका नाम नारायण रखना। उसने नाम रखा और आप सभी जानते हो ये कथा कि उसने मृत्यु के समय में जब यमदूत दिखाई देने लगे तो उसने नाम पुकारा अपने बेटे को। वैसे तो कर्म घृणित थे, नरक ही जाने वाला था, यमदूत ही लेने आए थे, लेकिन मृत्यु के समय में उसने भगवान का नाम लिया। भले नाम उसने बेटा रहा लेकिन भगवान नाम पर तो अनादिकाल से ईश्वर का अधिकार है। तो अंत समय में फिर पार्षद आए, आप सब जानते हो, और उसकी मुक्ति हुई। तो हम ऐसे नाम हमारे रखे तो बहुत ही उत्तम है। या फिर मान लो हम ये सब न कर सके, ये बड़ी विधियाँ है यज्ञ आदि हम न कर सके, नांदी मुख श्राद्ध न कर सके और साधारण रूप से हमें नामकरण करना है तो क्या करें। तो बोले किसी संत के पास, जो हमारे गुरु हैं, गुरु जी के पास चले गए,
और गुरुजी को कह दिया। गुरुजी के गोद में दे दिया बालक के, गुरुजी आपके चरणों में समर्पित, अब आप जो नाम रखेंगे इसका हमें स्वीकार है। और ऐसे गुरुजी के द्वारा या ब्राह्मण को घर बुला लिया, गुरुजी को घर बुला लिया, और फिर आपने गुरुजी के द्वारा उसका नामकरण करवा दिया, तब भी उस बालक का भाग्योदय हो सकता है। तो ये सब सामान्य सी विधियाँ है जो मैंने आपको बता दी।